किसान भाइयों, जब आप गन्ने के खेत में या किसी भी खेत में, जैसे आप नेचर में रहते हैं तो नेचर में सारे जीव जंतु तो नेचर में ही रहते हैं, शहरों में कोई नहीं रहता है। तो अभी जो है हमारे खेत में जो है गन्ने का बीज जो है उसकी कटाई हो रही थी, और यहाँ पे जो है आपको हम दिखाने चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो सारंग माछी होती है, जो मध की मक्खी होती है, सारंग मच्छी, अगर इसको आप टच कर दिए या इसको छेड़ दिए तो ये आपको डिस्टर्ब कर देगी। उसने बहुत बड़ा इसमें छोटा सा छत्ता लगाया है जो बाद में बड़ा होगा, आप देख सकते हैं। और हमारी बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कि हम इसके पास जाएं, लेकिन शायद आपको दिख रहा होगा। और ये ऐसा भी होता है जो है खेतों में, गाँव में, जहाँ पे नेचर है, जहाँ प्रकृति है, वहाँ पर ही सारे जीव जंतु रहते हैं। तो पंकज की किसान पाठशाला का मतलब भी यही है कि आप जीव जंतु की रक्षा भी कीजिए। इतना जो आपको दिख रहा है, इतना जो है हम नहीं काटेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, और जब तक पड़ा रहेगा तब तक इसको हम छोड़े रहेंगे। बाकी इधर की सारी गन्ना जो है हम बीज के लिए काटेंगे, लेकिन इतना जो इसमें एक दो क्विंटल गन्ना है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको हम दोबारा से फिर दिखा रहे हैं कि बहुत खतरनाक मच्छी लगी है, और ये जो है ना बहुत जबरदस्त मारती है, इसके मारने से लोग मर भी जाते हैं। ये आप छत्ता देख रहे हैं, बहुत नजदीक जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम फिर भी जो है बहुत कम दूरी पे हैं, आप देख सकते हैं सरंगा मच्छी है ये, बहुत तगड़ी वाली। तो इसका भी किसान भाइयों को ध्यान रखना होता है, प्लस बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन किसान जो है अन्नदाता है और किसान ही सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पे। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, धन्यवाद।